गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गीता कल्याण फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल बागा पुराना, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट EVS। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर लेसन नंबर 6, फूड एंड वाटर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फूड एंड वाटर। फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इट हेल्प अस टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। As well as the water is also a very important in our life. So let's start the chapter and see how they both help us. We need food to live. हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है. We also need food to grow big and strong. हमें बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए और ताकतवर बनने के लिए भी भोजन की ज़रूरत है। फूड गिव अस एनर्जी टू डू मैनी थिंग्स। भोजन हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लाइक वर्क, प्ले, ग्रो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब हम डिफरेंट टाइप के फूड के बारे में स्टडी करेंगे। वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू बिकम हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें अलग अलग प्रकार के भोजन खाने की ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनने के लिए। ब्रेड, राइस, रोटी, शुगर, पोटैटोज एंड बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ऑल दिस आइटम्स हमें एनर्जी देती हैं वर्क करने के लिए और खेलने के लिए। ऑल दिस आइटम्स आर द पार्ट ऑफ आवर डेली फूड। मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड दाल also help us to grow। ये सभी चीज़ें भी हमें help करती है grow होने में। Fruits and vegetables keep us healthy। फल और सब्जियाँ हमें सेहतमंद रखती हैं। Come to the page number next। Meals that we eat every day। अब हम देखेंगे पूरे दिन में हम जो मील्स, फूड खाते हैं। वी ईट 3 बिग मील्स इन द डे। हम पूरे दिन में 3 मील्स, 3 बार भोजन खाते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम हम नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द फूड ऑफ इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम हम नाश्ता करते हैं। इट इज़ आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये हमारा भोजन पूरे दिन का सबसे पहला भोजन ब्रेकफास्ट है। इट हेल्प अस टू स्टार्ट द डे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये हमारी मदद करता है पूरे दिन में सबसे पहले डे को स्टार्ट करने में। और दिस इज़ द सोर्स ऑफ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। और नाश्ते से, ब्रेकफास्ट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। दोपहर के टाइम, आफ्टरनून में जो भोजन हम खाते हैं, इट्स कॉल्ड लंच। उसे लंच बुलाते हैं, दोपहर का भोजन लंच। इट इज़ आवर सेकेंड बिग मील ऑफ द डे। ये हमारा सेकेंड टाइम, दूसरी बार लिया गया भोजन है पूरे दिन में। वी हैव डिनर एट नाइट। नाइट रात, डिनर रात का भोजन। रात के समय जो हम भोजन लेते हैं उसे हम डिनर कॉल करते हैं, दैट इज़ डिनर। रात के समय हम भोजन खाते हैं, डिनर। इट इज़ आवर लास्ट मील ऑफ द डे। ये हमारा पूरे दिन का लास्ट मील, लास्ट भोजन होता है। इट शुड
नॉट बी अ वेरी हैवी मील। रात का भोजन हमें हल्का खाना चाहिए और ये ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। वी ऑल्सो ईट स्मॉल मील्स इन बिटवीन द बिग मील्स। इस पूरे डे के दौरान हम ये 3 मील के अलावा और भी छोटी छोटी मील्स, कुछ फूड स्नैक्स वगैरह और फ्रूट्स हम खाते हैं। फूड फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड। अब हम देखेंगे जो हम हमारा डेली का फूड हम खाते हैं, हाउ वी गेट, वो हम कैसे और कहाँ से प्राप्त करते हैं। फूड डैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम फूड खाते हैं वो प्लांट्स, पौधों से और एनिमल्स, जानवरों से हमें मिलता है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, पल्सेस दाल एंड नट्स फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी आइटम्स हमें प्लांट से, पौधों से मिलती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चावल, आटा, सभी ऑल टाइप ऑफ दाल्स एंड नट्स, ये सभी हमें पौधों से मिलते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। हमें जानवरों से दूध, मीट, अंडे और शहद मिलता है। ड्रॉ द लाइन टू मैच द पिक्चर्स ऑफ द फूड विथ वेयर इट कम्स। नाउ हनी, हनी हमें मिलता है हनी बी से। बनाना वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। एग वी गेट फ्रॉम द हैन एंड एप्पल वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। यस, गुड हैबिट्स। इट इज डाइनिंग टेबल। दिस इज द टाइम व्हेन यू रीच ऑन द डाइनिंग टेबल एंड फॉलो द सम गुड हैबिट्स ड्यूरिंग द टेकिंग मील। We should follow some habits, healthy habits when we eat food. हमें कुछ अच्छी habits को follow करना चाहिए जब हम खाना खाते हैं। Look at the picture below. Color the circles green for the pictures showing good habits. You have to, students, fill the green color जो pictures आपको good habits show करती हैं और red कलर उन पिक्चर्स में जो बैड हैबिट्स हैं। नाउ वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करने चाहिए। इट्स फिल द ग्रीन कलर। च्यू द फूड वेल वाइल ईटिंग। खाना खाते समय हमें अच्छे से खाना चबाकर खाना चाहिए। फिल द कलर ग्रीन। टॉक अलाउट वाइल ईटिंग। खाना खाते समय बहुत सी बातें करनी चाहिए। No, it's bad habit. Waste food, food को खराब करना चाहिए। It's also a bad habit. The both are the good habits and follow them carefully. Come to the next. Now, importance of water. Water is very important for us. पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। We also need water to wash, drink and cook food. हमें पानी की ज़रूरत है वॉश, पीने के लिए, वॉश धोने के लिए और कुक फूड खाना पकाने के लिए। वी ऑल ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी। थर्स्टी होता है प्यास। जब हम सब प्यासे होते हैं तब हम वाटर पीते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश एंड क्रैब लिव इन द वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में, पानी में रहते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड वाटर टू। पक्षियों को, एनिमल्स, जानवरों को और बर्ड्स, पक्षियों को भी पानी की बहुत ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द योर चैप्टर नंबर 6। नाउ वी विल डू द
बुक वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, वी नीड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बड़े होने के लिए हमें, बिग और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें ज़रूरत है फूड की। वी यूजली हैव 3 meals इन अ डे, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्थी, फल और सब्जियां हमें सेहतमंद रखती हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम खाना प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं पौधों से और जानवरों से। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, खाना, फूड, भोजन हमें देता है एनर्जी वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। नाउ आंसर इन द वन वर्ड, दिस फूड आइटम हेल्प अस टू ग्रो, ये फूड आइटम हमें हेल्प करती है ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए। इट्स मिल्क एंड एग, वी गेट एग्स फ्रॉम दिस एनिमल, हम एग प्राप्त, अंडे प्राप्त करते हैं इस एनिमल से, इट्स नेम इज हैन। द मील वी हैव इन द आफ्टरनून, जो हम दोपहर में भोजन करते हैं उसे हम कॉल करते हैं लंच। वी नीड दिस टू ड्रिंक एंड बाथ, पीने के लिए और नहाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, इट्स वाटर। द फर्स्ट बिग मील ऑफ द डे, दिन का सबसे पहला भोजन है ब्रेकफास्ट। नाउ रीअरेंज द वर्ड, सो योर फर्स्ट इज EGG एग, नंबर 2 इज ब्रेड BREAD ब्रेड, नंबर 3 इज MILK मिल्क, नंबर 4 इज RICE राइस, एंड नंबर 5 इज इडली IDLI इडली। सो स्टूडेंट, दिस इज द योर बुक वर्क ऑफ लेसन नंबर 6। रीड दिस चैप्टर केयरफुली फ्रॉम योर EVS बुक एंड कंप्लीट योर वर्कबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।